ये हमारे समोसा वाले सेट पे सुबह सुबह हमें समोसा खिलाते हैं। ये देखिए ताजा ताजा छोटा छोटा समोसा चटनी के साथ। चटनी क्या जुनैद भाई क्या है? चटनी के साथ। अरे वाह क्या बात है। आ हाँ तो मैं जा रहा हूँ समोसा खाने। चलिए टाटा बाय बाय। गर्मा गर्म छोटा छोटा समोसा चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी कमाल का। क्या है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है ये और मजा आ रहा है। अब राहुल तुम भी आ जाओ, तुम भी खाओ, कैमरा को छोड़ो। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा है, टेस्टी है, बढ़िया है। ये चोखा है। तो आज का हमारा सेट है परेरा, परेरा जो कि मड में है। मड मेरे घर के बहुत करीब है, तो चलिए मैं आप लोग को लोकेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये काफी खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पे तालाब है जहाँ पे बहुत सारी मच्छी है, तो चलिए देखते हैं। कम ऑन, कम विद मी। कैमरा पे मेरे साथ सूर्यांश है उर्फ प्रकाश, जो कि मेरा बहुत अच्छा मित्र को एक्टर दोनों है। प्रकाश, ए प्रकाश, कुछ हाँ बोल दे। हाय दोस्तों। हाँ हाँ तो मैं आ गया। चलो ये लोकेशन। ओ घोड़ा, आज के सीन में घोड़ा भी है जो कि अंग्रेज का है, और अंग्रेज का कुछ सीन लगा हुआ है जिसमें घोड़ा है, वो उस पर चढ़ के आता है। और जो भी है और उसके पास नहीं जाऊंगा। क्या है कि मारवाड़ दिया लात वात, तो ये है बड़ा वाला घोड़ा, ये दिखा दे। अब रोहित आपको इस पे बैठ के दिखाएगा। नहीं नहीं बैठूंगा नहीं मैं, आ जा इधर आ जा, छोड़ दे। अब जो है मैं आप लोग को मच्छी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए तालाब में, ये रही मच्छी है। आ जा प्रकाश जल्दी आ, मच्छी भाग जाएगी सारी की सारी। इधर से नहीं दिखाऊंगा, उधर से। मैं बहुत सारा रोटी लेके आ गया हूँ, मच्छी को खिलाऊंगा। चलिए सारी मच्छी भाग जाएगी वरना। बहुत सारी मच्छी है, आप लोग देखिए, धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि भाग जाएगी मच्छी। ये है रोटी, और अभी आप लोग देखना मछली जो है पटापट रोटी खाती है, सबको खिलाऊंगा मैं। इस तरफ डाल, इस तरफ डाल, इधर डाल, इधर ज्यादा, इधर ज्यादा साफ है। देखा आपने मच्छी कितने प्यार से खाना खा रही है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये वाले लोकेशन पे, तो मच्छियों को खाना खिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रोटी मिल जाए। क्या है कि जब हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, तो रोटी बच जाती है, तो मैं मच्छी को खिलाता हूँ। और आप देखिए कितने आराम से खा रही है, दवा दवा की। कितनी सारी मछलियाँ हैं, और मछलियाँ तो देखो हैं प्रकाश। हाँ ये क्या मछलियाँ, यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं लोग? ये तो पता नहीं, प्राइवेट है लोकेशन, प्राइवेट तालाब है, पाल रखा है इन लोगों ने। और शूटिंग वहाँ वहाँ पे शूटिंग भी चल रही है, वो उस साइड। सब खिला दूंगा मच्छी को। क्यों प्रकाश? हाँ अरे प्रकाश तू भी खा। ए ए अरे मेरा मतलब तू भी खिला यार। हाँ ला। हाँ प्रकाश भी खिलाएगा। अबे रोटियां बर्बाद कर दी तूने प्रकाश। कोई नहीं, अब मछली चढ़ के बोर्ड पे जाएगी फिर खाएगी। मच्छी जंप मारी खा रही है, वो देख, वो देख, वो देख। ये देखिए हमारे सारे को एक्टर्स इस समय मछलियों को खाना खिला रहे हैं, और देख सकते हैं कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी। ये है रोहित, ये है दीपक, ये हमारे साथ ये चौल के एक्टर्स हैं।
ये देखिए कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी सारी। अब दीपक आपको बोर्ड पे जम करके दिखाएगा। सीन शुरू हो गया है तो जा रहे हैं चौल के सारे लोग। ये हमारे रमा एंड अथर्व, ये सब मटका उटका लेके पानी वानी ढूंढने जा रहे हैं ये हम। और देखो देखो मटका उटका से मार भी रहे ये लोग हैं। अब हमारा जब सीन आएगा तब हम इनके मटके फोड़ेंगे। प्रकाश ये मटका उटका बोल रहे हैं, मटका पानी वानी यार। हमारा सीन है इसमें इनका मटका फोड़ना है, तो जैसे कि ये स्टील के मटके लेके आए हैं तो हमारे नरोत्तम जी ने जरूर छेनी हथौड़ी भी लेके आए होंगे। इनका मटका ना फोड़ लाला तो हमारा नाम भी नहीं। पानी पिएंगे ये लोग हैं, देखो तो पूरा बाल्टी पूरा कुआं ले जाने का विचार से आए ये लोग। बाल्टी में रायता लेने जा रहे हैं, पूरा कुआं ले जाएंगे ये लोग। राहुल ये मासूम गरीब बेचारे छोटी जात के मारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, तो प्रकाश प्रकाश क्या इनको पानी मिल पाएगा? जब तक हमारे साथ नरोत्तम है तब तक इनको पानी की एक एक बूंद तक के लिए तरसा देंगे। और जब तक नरोत्तम के साथ हम हैं तब तक नरोत्तम कभी हार नहीं सकता। पानी तो क्या, इनसे इनका कपड़ा रोटी मकान सब छीन लेंगे, ये हमारा वादा है। प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमारे सामने पानी चुरा करके भाग सके। अरे साला हम पानी लेने नहीं देंगे। नरोत्तम के साथ मिलके इतना मार मारेंगे इन लोगों को कि पानी तो क्या, कपड़ा उपड़ा सब छीन लेंगे। देख रहे हैं पीछे 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 है वो पानी के इंतजाम में। क्या प्रकाश सबक सिखाना होगा इनको। पानी तो क्या, इनको पानी को छूने भी नहीं देंगे। बस यही जोश चाहिए प्रकाश, और यही जोशी जी को समझाना है। हेलो ठीक है बस मतलब ये मेरे दोनों दोस्त जो कि मेरे को एक्टर है और भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक्टर है और ऑडिशन भी बना रहे हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए। बताओ कितने चालू है ये लोग वैनिटी में बैठ के। हाँ लव यू। आज सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल नया है और एक नंबर है और अंबेडकर शो है और आने वाले और अच्छे अच्छे शो हम आपको दिखाते रहेंगे चैनल पे। तो देखिए आज है मंदिर का सेट और मैं आप लोग को दिखाऊंगा मंदिर का सेट जहाँ पे नागिन की अक्सर शूटिंग होती रहती है। ये रहा मंदिर का सेट और नागिन की शूटिंग वहाँ उसके अंदर में होती रहती है, जितने भी उसके पार्ट बनते हैं 1, 2, 3, 4 नागिन 5, 6 जो भी है। और मंदिर जो है दरअसल में खाली रहता है, भगवान लेके आते हैं लोग, जो भी भगवान की पूजा दिखाई जाती है। एक्शन पे आ जा, पहले ऊपर से चिल्ला लक्ष्मी लक्ष्मी, ये लोग सब देखेंगे फिर भागता हुआ। अरे आप लाइन ले गया ना, अभी उनको लाइन ले लेते बेटा। क्या है लाइन? ये हमारे को एक्टर्स रीडिंग में बैठे हैं और रीडिंग कम बातें ज्यादा हो रही है। एक्चुअली क्या है कि रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं ये लोग। हमारे जग्गू दादा भीम को बिस्किट खिलाते हुए और भीम पाले जी खाते हुए। ये है रोहित।
मतलब ऑन स्क्रीन झगड़ा होता है और ऑफ स्क्रीन सब एक है, इसलिए तो देखा आप लोगों ने भाइयों, ऑफ स्क्रीन हमारे बीच में कितना प्यार है, ऑन स्क्रीन बात अलग होती है। ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं और देखिए कैसे बातें करते हैं हम लोग। और हमारे जो अंग्रेज है आजकल इंस्टा में बहुत बिजी हो गए। वो ये हाथ पे क्या हुआ तेरे? ये बस एक छोटा सा खरोच है, इतना कुछ नहीं। ये देखिए क्राफ्टिंग में हमारे दादा जो है ये कुछ बना रहे हैं और इससे कुछ शायद बनेगा, देखते हैं क्या होगा। आई थिंक झोपड़ा, ओके, जैसा कि इन्होंने कहा है कि झोपड़ा बनाया जा रहा है, तो ये कटिंग का काम चालू है। हमारे दादा लोग कितना मेहनत करते हैं जो कि मैं आप लोग को फुटेज में दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स तो देखिए सेट पे काम चालू है। ये जो कुआं है मैंने जो कि आपको पहले भी बताया है, बट इस ब्लॉग में शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। देखिए डुप्लीकेट कुआं जो कि फोम से बना हुआ है और साइड से उसको ये लोग कितने अच्छे से और बारीकी से बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मतलब एकदम रियल है, जबकि रियल नहीं है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए शुरू होते ही ख़त्म हो गया ये तो ये कुआं का काम चल रहा है। ये होने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग का शूट है और ये हमारे को एक्टर्स जो रेडिंग के बाद गप्पे लड़ा रहे हैं और यहाँ पे भी पुराने ज़माने का इन ये क्या कहते हैं इसको, मटका, तो मटका रखा हुआ है। और बेहोश हो गए, मारना छोड़ दिया, चले जाओ सब लोग। निराज शर्ट कवर कर, नीचे शर्ट तेरा केबल दिख रहा है बेटा। हाँ रोलिंग एक्शन, रोलिंग। वाओ, नाइट का सीन है, नाइट का शूट, कितना सुंदर सीन है। मतलब आप लोग देख रहे हैं वो हमारे भीमराव वहाँ खड़े हैं। पूरा नाइट का सेटअप है, ये डायरेक्टर साहब हमारे बात करते हुए। आहा, क्या सीन है, चौल पार्टी लोग। हाँ हाई बजट चाहिए, हाई बजट चाहिए है भाई, हाई बजट में इतना ही फुटेज मिलेगा। ये डुप्लीकेट कुआं जिसकी गहराई कुछ भी नहीं है, कितना सुंदर है, इतना सुंदर 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 नजारा, वाओ। नाइट शूट जो है ना सुंदर ही होता है एक्चुअली। तो मैं चौल के एक्टर्स से आप लोग को मिलवाने जा रहा हूँ। ये हमारे चौल के एक्टर्स है, हितेश जी को देख रहे हैं हम लोग। आ हा हा हा, जय भगवती, जय भगवती सर, आनंद लेते हुए। ये देखिए बर्निंग फायर कितना सुंदर, शिशिर काल में आग का सेवन करना चाहिए। ये देखिए हमारे जोखू जी मजे से बैठे हैं, जनार्दन जी काफी शांत। ये जो है ये शूट का आइटम है, देखो सब्जी में क्या है बताओ पब्लिक को। आलू की सब्जी है भैया, आलू और फ्लावर की क्या है डेबिट,
अरे बताओ क्या है सब्जी में? फ्लावर एंड पूरी। अच्छा क्या है? पूरियां हैं और आलू गोभी। तुम खाओगे? ये हमारे सर, इनको भी पूरी खिलाना पड़ेगा। आराम से खाओ, रखना होना चाहिए।